हेलो दोस्तों, डियर स्टडी हॉल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RRB NTPC एंड ग्रुप डी का, जिसमें आप लोग को इस वीडियो में साइंस का प्रीवियस ईयर की का क्वेश्चन जो आप लोग को मिलेगा, करंट अफेयर का है, जनरल स्टडी है और टॉप 20 है। तो अब की बार इस बार रेलवे पार है, NTPC और ग्रुप डी का है, बेस्ट च्वाइसेज है। इसमें आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आप लोग को मिलेगा, करेंट अफेयर से भी रिलेटेड, साइंस का भी। तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के लिए, पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, तूतीकोरिन, कोयम्बटूर या ट्रम्बे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो पर्ल सिटी जो है उसको कहा जाता है तूतीकोरिन को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लाइकेन का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन लिनियस, दूसरा अरस्तु, तीसरा तुलास्ने, चौथा है डार्विन। तो इसका सही आंसर है तुलास्ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका का अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर वन मुंबई, गोवा, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर टू सही है। अंटार्कटिका का अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में कौन सी नदियां बहती है? तो पहला जो है नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा सोन, चौथा है कावेरी। तो इसका सही आंसर है कावेरी, ऑप्शन नंबर फोर सही है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में जगह बहती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन सॉर्स, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फंगस, चौथा है प्रोटोजोवा। तो इसका सही आंसर है सॉर्स, सॉर्स के कारण जो है कोरोना वायरस का एक स्रोत है। अभी फ़िलहाल में कोरोना वायरस जो चल रहा है वो इस पे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से जो ये फैलता है, सॉर्स से, बैक्टीरिया से, फंगस से या प्रोटोजोवा से। तो इसका सही आंसर सॉर्स है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर, इनमें से कौन जो है ऋणात्मक होता है? पहला ऑप्शन है एक्स किरण, दूसरा बिट्टा किरण, तीसरा है अल्फा किरण, चौथा है गामा किरण। तो इसका सही आंसर जो है वह है बिट्टा किरण। बिट्टा किरण जो है वो ऋणात्मक किरण है, और बाकी जो है अल्फा किरण जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है, और गामा किरण नो है, तो इस पे चार्ज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर सही है वो दूसरा है बिट्टा किरण, इसको नोट कीजिएगा। एट नंबर क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है NTPC का। तो इसका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ज्योतिबा फुले, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वह है ज्योतिबा फुले। नाइन नंबर क्वेश्चन है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछली बार जो है आसियान शिखर सम्मेलन लोको पायलट में भी पूछा है और ग्रुप डी में भी पूछा है। तो उसका जो था सिंगापुर था, और ये 2020 का जो क्वेश्चन है वो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है वो थाईलैंड, दूसरा जापान, तीसरा रूस, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर जो है थाईलैंड, थाईलैंड के बैंकॉक एक जगह है, वहाँ पर जो है आसियान शिखर सम्मेलन 35वां सम्पन्न हुआ है। टेंथ नंबर क्वेश्चन, ट्रे का वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
पहला ऑप्शन राम सेवक शर्मा, दूसरा प्रवीण महाजन, तीसरा अतुल वासन, चौथा जो है रवि शास्त्री। तो इसका सही आंसर जो है वह है राम सेवक शर्मा जो है ट्रे के वर्तमान अध्यक्ष हैं, 2020 का है ये। तो पिछले बार जो थे वो ये नहीं थे, राम सेवक शर्मा नहीं थे। और इसके जगह पे जो है एक चीज़ और बता दूं कि ट्रे के जो वर्तमान अध्यक्ष तो हैं ही, और ट्रे का जो फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इसको नोट कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का भारत का रैंकिंग क्या है? ऑप्शन पहला है 144, दूसरा 130, तीसरा 136, 136 और चौथा 140। तो इसका सही आंसर जो है वो 114वां नंबर में है 2020 में। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा करीना कपूर, चौथा है कनिका कपूर। तो जो पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं करीना कपूर, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अभी जो वर्तमान में है वो है करीना कपूर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप विजेता कौन है? तो इसका ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका। तो महिला T20 विश्व कप जो विजेता है वह है ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर जो है वो दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता टीम कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है सौराष्ट्र, दूसरा है विदर्भ, तीसरा बंगाल, चौथा है मुंबई। तो इसका सही ऑप्शन जो है आंसर जो है इसका सौराष्ट्र है, रणजी ट्रॉफी 2020 में जो हुआ है वो सौराष्ट्र हुआ है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, पेप्सिको के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पेप्सिको के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर वो चुने गए हैं, पहला जो ऑप्शन है सैफ अली वर्मा, दूसरा मैरी कॉम, तीसरा सेरेना विलियम्स और चौथा है दीपिका पादुकोण। तो इसका सही आंसर जो है वो सैफ अली वर्मा है पेप्सिको के, पिछले बार जो थे इंद्रा नुई थे, और पेप्सिको के नए ब्रांड एम्बेसडर 2020 में जो चुने गए हैं वह है सैफ अली वर्मा। तो ये ऑप्शन इसको याद रखिएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, नोकिया के नए CEO को नियुक्त किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है पहला शिव कुमार, दूसरा राजीव सूरी, तीसरा है पक्के लुंडमार्क और चौथा है मार्टिन कपूर। तो इसका जो सही आंसर है वह है पक्के लुंडमार्क, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। और नोकिया के जो CEO हैं इसको याद करने का एक तरीका है पक्के लुंडमार्क को, कि जो नोकिया की कंपनी जो थी वो पक्के थी, पक्के कस्टमर था इसका। तो इसमें जो क्या होता है कि वो जो पक्के कस्टमर थे यहाँ पे देखिए, तो वो एक मार्क था, मार्क लगा हुआ था। तो इस तरह से आप लोग याद सकते हैं पक्के लुंडमार्क नोकिया के जो CEO हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CEO ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित NTPC ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि CEO ब्रांड एम्बेसडर इम्पॉर्टेंट है, अध्यक्ष रिलेटेड जितने भी खेल से है संबंधित हैं, तो वो सारे को इसमें मिला करके आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो है पहला वह है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर है वह है झारखंड। ये जो है पिछले बार न्यूज में ही भी आ रहा था इसके, और हाल ही में मनाया गया है ये। तो सरहुल जो है लोक नृत्य है, झारखंड का बहुत फेमस लोक नृत्य है यहाँ का, और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, तो ये पूछा जा सकता है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य की है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर जो है वह है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है छपेली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस लोक नृत्य को मिला है? तो पहला ऑप्शन है घूमर, दूसरा संडोल, तीसरा छऊ, चौथा है गिद्धा। तो इसका सही आंसर जो है वह है संडोल, संडोल जो लोक नृत्य को इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में इसको सम्मिलित किया गया है। और एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ कि जो संडोल है वो लद्दाख का जो है लोक नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जो है वो लास्ट का क्वेश्चन है ये 20, तो 20वां जो क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य में मनाए जाते हैं? ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान, राजस्थान का ये फेमस घूमर लोक नृत्य, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब पूछता भी है। तो लोक नृत्य से संबंधित जितने भी सारे वीडियो थे आप लोग को इस पर प्रोवाइड किया जाएगा,
और भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बॉक्स में आप अपना लिख करके सेंड कर सकते हैं। किस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए, मैथ से रिलेटेड ट्रिक, बेस्ट ट्रिक आप लोग को इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।